जो बचा हुआ था 500, इस बार तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कतें आ रही है, मतलब समय का इतना अभाव हो रहा है बैचेस की वजह से, बैच में ऑफ ही नहीं कर पा रहा हूँ और ऑफ भी किसी और वजह से हो जाता है तो समय निकालना और मुश्किल रहा है। तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड करके लाइव तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइव आता है नहीं, तो सारा चीज़ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। मैं रिकॉर्ड करके फटाफट अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये शायद 12 बज चुके हैं रात के, तो मैं इसे रिकॉर्ड करके और कल मैं इसे लाइव कर दूंगा सुबह सुबह मैं जाके रिकॉर्डिंग, वो जो यूट्यूब को देखते हैं उनको मैं दे दूंगा, तो ये आप कल देख सकते हैं। फिलहाल मैं आज पूरा 100 ख़त्म करके ही जाऊंगा, 100 ख़त्म करके आप से हम रुख्सत लेंगे और कल हो सकता है कल परसों जो भी हो, इस सप्ताह शनिवार रविवार को मुझे लगता है कि समय तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, इस बार तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ क्या हो रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक कंटेंट्स आप तक पहुँचाऊँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये जॉन किट्स का एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट कोटेशंस के साथ, प्रोवर्ब्स के साथ, इडियम्स के साथ हम किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा है जो जैसा है वैसे ही हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो आंसर आ जाएगा इसका सी, द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। जब भी हम किसी से अलग होते हैं ना, तो अलग होने के लिए हम फ्रॉम का नहीं बल्कि ऐसे कंडीशन में हम OFF का इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन के लिए, लेडर से गिर गया, टेबल से किताब गिर गया, ब्रिक्स से पत्ते आ गए, तो वहाँ पे फ्रॉम भी आ जाता है ऑफ भी आ सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में द लिटिल बॉय फेल ऑफ द रूफ ऑफ सेपरेशन को दिखाता है। जैसे मैंने कहा ना कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो, ही फेल ऑफ द लैडर, फ्रॉम द लैडर नहीं आएगा, ही फेल ऑफ द लैडर, उसी प्रकार ही फेल ऑफ द रूफ का इस्तेमाल करेंगे। श्री राम कृष्णा ऑलवेज स्ट्रेस ऑन, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस एम्फेसाइज जब वर्ब होता है, स्ट्रेस जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, या फिर ऑर्डर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो, रिक्वेस्ट वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो, तो वैसे केस में ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कहते हैं आप, आई टेल यू कहते हैं, आई एडवाइज यू कहते हैं ना, क्या आई एडवाइज टू यू, आई आस्क टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू, आई टेल टू यू, ये सब गलत है। उसी प्रकार स्ट्रेस जब सब जब वर्ब बनेगा तो आप ऑन मत लिखना, अपॉन मत लिखना, इम्फेसाइज तो वर्ब ही है, इम्फेसिस आएगा तब वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेस जब नाउन बनेगा तब ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वर्ब के रूप में स्ट्रेस के साथ हम कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी प्रकार याद रखना डिस्कस हो, डिस्क्राइब हो, एक्सप्लेन हो, हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ भी हम प्रेपोजिशन नहीं लिखेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, गलत हो जाएगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस फिलोसफी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रेपोजिशन टू यू, हम इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो स्ट्रेस तो एक बहाना है, इसी बहाने दो चार पांच शब्द आपको हमने बताया, शायद वो आपके एग्जाम में आ जाए, स्ट्रेस के साथ कौन नहीं आएगा, स्ट्रेस्ड आएगा यहाँ पे। द थीव्स रैन अवे, रैन में दौड़ का भागना भागना होता है, गाड़ी में व्हीकल में भागते हैं आप तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्ली, फ्लेट का इस्तेमाल करेंगे हम। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब भी सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए या ऑब्जेक्ट हो ना हो, इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम ऑक्सिलियरी वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ब्ला 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 आ जाएगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिडेंट कॉल मी लास्ट नाइट, व्हाई यू डिडेंट कॉल मी लास्ट नाइट, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ये डिड नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब कॉल आ जाएगा। याद रखिएगा ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जब भी सब्जेक्ट वर्ब, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर ये नहीं होता, हटा दो इसको, अगर ये नहीं होता तो व्हाई डिडंट यू कॉल मी लास्ट नाइट, ये सेंटेंस सही है, लेकिन जैसे ये किसी सेंटेंस का पार्ट बन जाता है तब ये बेसिकली, जब सेंटेंस का पार्ट बन जाएगा तब यहाँ पे ये इंटरोगेटिव वर्ड कंजंक्शन रूप में इस्तेमाल होने लगता है, और फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब का जो असर्टिव रूप होता है वो इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट शी सेड इज नॉट करेक्ट एट ऑल, ये है नो इम्प्रूवमेंट, कोई दिक्कत नहीं, नॉट करेक्ट एट ऑल, बिल्कुल सही नहीं है। माई अंकल कुड नॉट राइज अप फ्रॉम हिज बेड नो मोर,
कुड नॉट के बाद फिर नो मोर कैसे आएगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव हो गया। इसके साथ हम निगेटिव सेंटेंस का इसके साथ एनी का एनी का एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फार्दर है, फर्दर है और मोर है। यहाँ पे जरा सा भी उठ नहीं पाए, यहाँ पे कोई डिस्टेंस का बोध नहीं हो रहा है या एडिशनल वन मोर का बोध नहीं हो रहा है। जैसे फार्दर डिस्टेंस के लिए फर्दर का इस्तेमाल हम करते हैं, एडिशनल वन मोर के लिए या नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू विल बी गिवन, नो फर्दर डिस्कशन इज पॉसिबल, नो फर्दर, फर्दर भी नहीं करते हैं। अब आगे कोई डिस्कशन एडिशनल, तो फर्दर एडिशनल के लिए इस्तेमाल होता है, फर्दर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और जब कहते रत्ती भर भी जरा सा भी वो नहीं उठ पाए तो वहां पे एनी मोर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट। ये भी याद रखना, जहां पे चाहिए फर्दर फर्दर वहां पे आ जाएगा फर्दर, जहां पे चाहिए फर्दर वहां पे आ जाएगा फर्दर। तो फर्दर फर्दर में भी एरर पूछे जाते हैं, फर्दर डिस्टेंस के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, नेक्स्ट के लिए एडिशनल के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे नो फर्दर पनिशमेंट विल बी गिवन टू यू, नो फर्दर फर्दर नहीं आएगा। The train rolls, train के लिए जो appropriate word होता है वो चलती है चुक चुक करके, तो वैसे केस में rumble का इस्तेमाल, आपका पेट में जो गड़गड़ाहट होता है ना उसके लिए भी my stomach is rumbling, हम rumble का इस्तेमाल करते हैं। rattle तो वो knocking sound के साथ धक धक जो रुक रुक के चलता है ना, knocking sound लगते हुए, तो वहाँ पे rattle का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज train के लिए appropriate word होता है the train rumbles along the track, his miserable condition made us wept, ये पहले भी आपको हमने बता रखा है कि लेट याद रखना, क्योंकि ये रिवीजन है तो संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेट आ जाए, मेक आ जाए, बीड आ जाए, इसके साथ अगर कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए तो हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव वो फॉर्म होता है जिसके पहले टू नहीं आएगा और न ही इसके बाद कोई एस या ई एस या आई एन जी या ई डी का इस्तेमाल करोगे। ये टू कट जाएगा, एस कटेगा, ई एस कटेगा, आई एन जी कटेगा, ई डी कट जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म आएगा विदाउट टू एस ई एस आई एन जी और ED, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहते यू कांट मेक मी क्राई, तो मुझे रुला नहीं सकते हो, यू कांट मेक मी क्राई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेक मी क्राई तो मेड अस वेप, वेप्ट नहीं आएगा, टू वीप भी नहीं आएगा, वीपिंग भी नहीं आएगा, मेड आ गया मतलब मेक का सेकेंड फॉर्म आ सकता है, लेट आ सकता है, लेट 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 होता है, मेक मेड मेड बीट बेड बिडन, कोई भी आ जाए इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा लेट के भाई हैं लेट मेक बिड, लेट मेक बिड, लेट मेक बिड। बात करते हैं हम लोग 410 के, एवरीबडी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज, अलार्म शब्द हो, सरप्राइज शब्द हो, स्टॉनिश शब्द आ जाए, इरिटेट शब्द आ जाए या फिर अनवाइज शब्द आ जाए, ऐसे कंडीशन में हम वैक्स शब्द भी आ जाए जो मेंटल वर्ड्स होते हैं, इसके साथ अगर अदर देन पर्सन की बात हो रही है तो हम ऐड का इस्तेमाल करें, कोई एक्टिविटी आ जाए तो ऐड का इस्तेमाल करेंगे, पर्सन है जैसे आई एम अनवाइड विद यू बट आई एम अनवाइड एट योर बिहेवियर, आई एम अंग्री आई एम एंग्री विद यू आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरीबडी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज ऑफ हिज मर्डर। Anxiety and other such emotions are known to be unhealthy, के साथ टू नहीं बल्कि फोर आएगा, यहाँ आएगा detrimental, जैसे too much alcohol is detrimental to your health, तो यहाँ पे आपके स्वास्थ्य के लिए जो appropriate word होगा, चूंकि यहाँ पे टू आया हुआ है, हम detrimental का इस्तेमाल करेंगे, unhealthy के साथ फोर का इस्तेमाल करते हैं। He speaks not only English but also Hindi, but ऑल्सो हिंदी का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। हिज पावरफुल डिजायर, ये तो पावरफुल, हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, ये पॉजिटिव कनोटेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, वो डाउनफॉल नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इसमें हमें नेगेटिव एक्सप्रेशन को लिखना है फ्रेज को। हिज डिजायर फॉर पावर, पावर के प्रति जो एक जिसके अंदर डिजायर था, किसे पावर चाहिए, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, इसलिए आ जाएगा हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। द नागा ट्राइब्स हैव बीन नोन फॉर देयर प्राइड इन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, चूंकि एक फैक्ट है और फैक्ट को हम, चूंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किए जाते हैं और सिंपल प्रेजेंट को हम इज एम आर सॉरी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी लिख सकते हैं। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन नहीं होता, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी प्रकार ट्राइब्स आर नोन फॉर देयर प्राइड इन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। द इन्फ्लेशन रेट रेज, रेज मतलब किसी चीज को बढ़ाना, और रेज के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड, रेज द प्राइस। लेकिन जो चीज ऑटोमेटिक बढ़ता है, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है और राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वाटर लेवल राइज करता है, सन राइज करता है, बैठे हो उठ गए आप, आपने राइज किया, इसलिए यहां पे आ जाएगा द इन्फ्लेशन रेट रोज टू 10% लास्ट मंथ। द डे ही क्विट्स स्मोकिंग आई शैल सेलिब्रेट, जिस दिन वो स्मोकिंग क्विट कर देगा आई शैल सेलिब्रेट। यह नो एरर नो इम्प्रूवमेंट। द ऑफिस वॉज नेवर स्टॉप, सॉरी द ट्रैफिक वॉज नेवर स्टॉपिंग इन द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल गलत है, जो सेंटेंस का सेंस है उसके मुताबिक आएगा। द ट्रैफिक नेवर स्टॉप्स इन दिस कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप एक परमानेंट स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि इन ये जो शहर है, जो अपॉर्चुनिटी का शहर है, वहां ट्रैफिक कभी नहीं रुकता है, तो नेवर स्टॉप्स, इसलिए हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है। स्टडी सजेस्ट, स्टडी भी एक प्रकार का फाइंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है, और फाइंडिंग मतलब फैक्ट, फैक्ट का मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आर बेटर। इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आ जाए, ये भी सिंपल प्रेजेंट ही कहलाता है। तो अ स्टडी सजेस्ट दैट वीमेन आर बेटर एट हैंडलिंग इमोशंस। द टीचर आस्क द स्टूडेंट, आ गया वही सेंटेंस, द सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वॉट आ गया, तो सब्जेक्ट आएगा, हर नेम वॉज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा व्हाट हर नेम वॉज। आप देख सकते हो ऊपर जाके, आप वीडियो को पीछे करके देख लेना कि जो मैंने समझाया था, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आ जाएगा व्हाट हर नेम वॉज। एट एन अर्ली एज ही हैड मेड हिज मार्क एज अ टीचर। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पास्ट में पास्ट की लिखा हुआ, एट एन अर्ली एज तो ये पास्ट की घटना है, और पास्ट के किसी एक टाइम में घटने वाली, किसी एक पॉइंट में घटने वाली घटना के लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आएगा मेड हिज मार्क। मुझे याद आ रहा है एक बच्चा ने ऑडियो क्लिप भेजा था कि सर आपने एक संदेश था कि जस्ट बिफोर ही डाइड राम या मोहन हु वाज अ पोएट रोट अ फ्यू वर्ड्स। यहाँ तो पास्ट ऑफ द पास्ट का केस है, बिफोर आया हुआ है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ध्यान रखना एक सेंटेंस में सेंस इंपॉर्टेंट होता है, बिफोर जरूर है वहाँ पे, लेकिन क्या लिखा, जस्ट बिफोर ही डाइड, ठीक अपने मरने के पहले एक दो पत्र, एक दो पोएम उसने लिखा था। यहाँ पे दो घटनाओं के बीच में तुलनात्मक संबंध नहीं बताना है कि हो गया था उसके बाद एक घटना हुआ, हाँ ऐसा कहना होता कि मरने के पहले वो हजारों पोएम लिख चुका था, तब वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट का। यहाँ तो करेगा ठीक मरने के पहले 5 बजे मरा और 4:45 बजे तक इतना दो तीन वो लिख चुका था, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ टाइम बहुत ही कम है, यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट का केस नहीं है, बल्कि यहाँ पे दोनों घटनाओं के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है। ये कहें कि बिल्कुल सीक्वेंस ऑफ टाइम आ गया, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो गया, ये इंस्टेंट एक्शन का केस है, यहाँ पे जस्ट बिफोर है, जस्ट बिफोर ही डाइड। अब देखना मतलब जस्ट बिफोर ही डाइड, मरने के पहले एक दो पत्र लिखा था, न कि ये कह रहा है कि मरने के पहले वो हजारों पत्र नहीं पोएम, हजारों पोएम वो लिख चुका था, तब हम पास्ट ऑफ द पास्ट मानते हैं। यहां तो बस कहा जाता है कि ये अभी अभी मरा और मरते मरते दो चार पत्र लिख गया हो, इसलिए हम दोनों को सिंपल पास्ट में व्यक्त करेंगे। जस्ट बिफोर ही डाइड ही रोट अ फ्यू पोएम्स, या जो भी होगा, संदेश मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है तो इसको ध्यान से सुन लेना, वो पास्ट ऑफ द पास्ट का केस नहीं है। जैसे कहते ही वॉश्ड हिज हैंड जस्ट बिफोर ही हैड हिज डिनर या लंच, ही वॉश्ड हिज हैंड, हाथ की हिसाब की और खाना खा लिया, इसमें पास्ट ऑफ द पास्ट की कोई बात नहीं है, हाथ साफ करके खाना खाया हो। ही वॉश्ड हिज हैंड जस्ट बिफोर ही हैड हिज लंच, तो यहां भी सिंपल पास्ट ही आएगा दोनों जगह। तो जहां पे सेंस कह रहा है कि कोई डिस्टेंस नहीं है टाइम का दोनों एक्शन के बीच में, इसीलिए हम दोनों में सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ये चूंकि पास्ट की किसी एक पॉइंट में घटने वाली घटना है, यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट इन द पास्ट का कोई केस नहीं बन रहा है, इसे लिखेंगे मेड हिज मार्क। आई हैव हार्डली एनी मनी, यह है नो इम्प्रूवमेंट। नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सम का इस्तेमाल होता है।
ड्रॉट्स एक काउंटेबल नाउन भी, अनकाउंटेबल नाउन भी यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो ड्रॉट्स आर स्टिल अ हार्श रियलिटी फॉर इंडियन फार्मर्स, मतलब सूखा एक रियलिटी है इंडियन फार्मर्स के लिए, ये बिल्कुल सही है। ड्रॉट्स के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है, नो इम्प्रूवमेंट। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। आई नोटिस दैट द अपोजिट मैन, अपोजिट मैन मतलब उल्टा व्यक्ति, यहाँ पे एकदम वो व्यक्ति जो उसके सामने बैठा हुआ था, मतलब द मैन हु इज अपोजिट, हु इज सिटिंग अपोजिट, तो वैसे केस में आ जाएगा आई नोटिस द मैन अपोजिट उसके सामने में जो बैठा था। जैसे कहते कि ये अपोजिट किसी नाउन के पहले आएगा ना तो उस उल्टा विपरीत को दिखाएगा, फाइंड आउट एन अपोजिट वर्ड। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सामने की बात हो रही है, वैसे कंटेक्स्ट में हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं जो नाउन के बाद आएगा, नहीं तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द आप देखते हैं कंसर्न्ड मदर, मतलब चिंतित माँ, और द मदर कंसर्न्ड मतलब वो मम्मी, वो मदर जो इस मुद्दे से रिलेटेड है। द कंसर्न्ड क्लर्क, वो क्लर्क जो चिंतित है। द क्लर्क कंसर्न्ड, वो क्लर्क जो इस मुद्दे से संबंधित है। उसी प्रकार अपोजिट अगर यहाँ पे अर्थ आएगा तो अर्थ ही बदल जाएगा, इसलिए आएगा द मैन अपोजिट वॉज स्टेयरिंग एट मी, आई नोटिस दैट द मैन अपोजिट वॉज स्टेयरिंग एट मी, इसलिए आएगा द मैन अपोजिट वो व्यक्ति जो उसके सामने था, क्योंकि एडजेक्टिव का पोजिशन बदलता है अर्थ बदल जाता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। यू लुक्ड टायर्ड, यस I had been running। कहा जाता है कि अगर पास्ट में कोई घटना हो रही थी और उसका प्रभाव भी पास्ट में ही था तो वैसे कंडीशन में जो हो रहा था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट में कोई घटना हो रही थी और उसका प्रभाव वर्तमान में मौजूद है, वर्तमान में मौजूद है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऐसा होता यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, यस, तो यहाँ पे आई हैव बिन रनिंग, आई हैव बिन रनिंग, क्योंकि वो अभी टायर्ड दिख रहा है, वो टायर्ड दिख रहा था, तो ऐसे केस में लुक्ड है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट में रिजल्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में रिजल्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। आंसर आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। व्हेनेवर आई गो टू अ सिटी आई लिव इन अ होटल, लिव का इस्तेमाल, रिसाइड का इस्तेमाल, ड्वेल का इस्तेमाल, हम बेसिकली लॉन्ग टर्म जब लंबे समय तक कहीं रहते हैं ना तब इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम स्टे का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा फॉर्मल है, लीव से ज़्यादा फॉर्मल है रिसाइड करना। ड्वेल भी जो एस्टेब्लिश्ड होम होता है ना वहाँ पर रिसाइड करते हैं, हम टेंट में ड्वेल कर सकते हैं। टेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आएगा स्टे इन अ होटल। माई मैनी चिल्ड्रन रिजेक्ट टू गो, जब किसी काम करने से मना करते हैं ना हम तो उसे कहते हैं रिफ्यूज करना। कोई अप्लीकेशन आपने दिया उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। कोई प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे कोई काम करने से मना किया जा रहा है इसलिए आ जाएगा रिफ्यूज टू गो। और डिनाई का मतलब होता है खंडन करना, किसी ने आपको चोर कहा आप उसके बात को डिनाई करते हो, कंट्राडिक्ट करेंगे, कन्फ्यूज करेंगे, रिफ्यूज करेंगे आप उसे। द मेमोरियल सर्विस कंडक्टेड बाई द प्रिस्ट वॉज हार्ट रेंडिंग, दिल दहलाने वाला। मेमोरियल सब्जी जो किसी के याद में जब हम करते हैं तो वैसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं मेमोरियल सर्विस कंडक्टेड बाई द प्रिस्ट वॉज हार्टियस्ट, नहीं बल्कि हार्ट रेंडिंग, दिल दहला देने वाला था वो। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपको पता होगा ये है नो इम्प्रूवमेंट। जब भी किसी कंट्री से टीम का बोध होता है और खेल संबंधी बातें होती है तो हम प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया विन द मैच, विंस नहीं आता, इंडिया विन द मैच, विंस भी आता है वो इनफॉर्मल स्टाइल होता है, हमें फॉर्मल स्टाइल को फॉलो करना है। और हमेशा जब टीम से किसी कंट्री का बोध, किसी कंट्री से टीम का बोध होता है, खेल संबंधी बातें होती है, हम प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये है नो एरर। यू शुड हैव अटेंडेड इफ द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड यू टू डू सो, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। इफ द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड यू टू डू सो तो सेल कैसे आ जाएगा, सेल तो आएगा नहीं, जो भी आएगा पास्ट में आएगा, यानी वुड हैव हैड टू अटेंड का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको समझाता हूं, इस स्ट्रक्चर को इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम इसको सब्जेक्ट प्लस
would have, subject plus would have plus verb की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे देखिए if भी है, द कोट भी है, हैड भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है. इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, एक सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, एंड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वुड हैव तो है नहीं, तो वुड हैव यहाँ पे आ गया. और हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसी काम को करने की बाध्यता को दिखाता है. तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें खाना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है. तो हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव टू गो, आई हैव टू टीच, आई हैव टू लर्न का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर मॉडल्स के पहले आएगा यहाँ पे तो वुड हैव आ गया, और वुड हैव के बाद अगर हैव टू लिखोगे आप तो ये हैड टू हो जाएगा, क्योंकि वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा. और टू अटेंड का इस्तेमाल करेंगे, टू अटेंड मतलब तुम्हें अटेंड करना पड़ा होता. अगर कोर्ट इंस्ट्रक्टेड तुम्हें ऐसा करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया होता तो तुम्हें ये काम करना पड़ा होता. हैव टू से बाध्यता, कोई काम करना पड़ता है, हैड टू लगा दिया काम करना पड़ा, और वुड हैव हैड टू आ गया काम करना पड़ा होता, इसलिए यहां पे आ जाएगा ए फॉर अमेरिका. इन ओपन एक्सेस पब्लिशिंग अ जर्नल आर्टिकल, और जर्नल आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल सिंगुलर है, वर्ब आएगा सिंगुलर, वर मेड अवेलेबल फ्री फॉर ऑल ऑन द वे बाय द पब्लिशर. इसलिए यहाँ पे इज मेक तो हो ही नहीं सकता है, मेकिंग तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो आएगा इज मेड अवेलेबल, उससे अवेलेबल करवाया जाता है, इज मेड अवेलेबल. इसलिए आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट. जैसे इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, तो इज मेड अवेलेबल, अवेलेबल करवाया जाता है फ्री फॉर ऑल ऑन द वेब. When the beverage was ready, they drank possibly as much as they could. They drank possibly as much as they could. ये बिल्कुल no improvement है, कोई दिक्कत नहीं है. वो they drank possibly, बाकी कोई ऐसा है नहीं कि जो बिल्कुल grammatically correct हो. As much as they possibly could गलत, as much as possibly they could ये भी गलत, as much as they could possibly ये भी गलत है. बिल्कुल they drank possibly शायद उतना जितना वो पी सकते थे, ये है नो इम्प्रूवमेंट. अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू गिव अलिजियंस. अलिजियंस मतलब होता है कि आपको किसी सरकार, किसी रूलर के प्रति जब आपको सपोर्ट को दिखाना होता है वो अलिजियंस कराता है. अलिजियंस जो है जगह नो इम्प्रूवमेंट. लॉयल्टी इन जनरल इस्तेमाल करता है, जैसे सर्वेंट मास्टर में जो एक वफादारी का भाव होता है वो लॉयल्टी कराता है. लेकिन किसी रूलर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति जो आपका एक भाव होता है, लॉयल्टी का भाव जो होता है, सपोर्ट करने का जो भाव होता है, उसकी अलिजियंस का इस्तेमाल करते हैं. वो पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, ये जनरल कंटेक्स्ट में. सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स टेन टू विशिएट मतलब होता है किसी के स्वाद को स्पॉयल कर देना. तो विशिएट बिल्कुल अप्रोप्रिएट शब्द है किसी के टेस्ट को स्पॉयल करने के लिए. तो विशिएट द टेस्ट, बाकी डिवाइड, डिस्टॉर्ट, डिस्ट्रैक्ट का कोई अर्थ नहीं इस सेंटेंस में. बाई स्टडिंग एड्स, अब यहाँ पे बाई स्टडिंग एड्स हैज engaged many, यहाँ पे जो भी आएगा ना वो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए has engaged verb phrase आया हुआ है. तो इसलिए यहाँ पे आएगा the study of AIDS has engaged many researchers in the last decade. बाकी important study, फिर important study AIDS कैसे आएगा, now that the study AIDS कैसे आएगा, इसलिए आएगा the study of AIDS. His master's thesis was highly estimated. एस्टिमेट नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी प्रशंसा किया गया, और प्रशंसा के लिए हम कमेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं. तो वाज हाईली कमेंडेड. नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव. नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल किया गया, सिंपल पास्ट आ गया, बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, नो इम्प्रूवमेंट. इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट पास्ट हर फेलियर. किसी प्रकार का संकट हो, दुख हो, तकलीफ हो, उससे उभर पाना, बाहर निकल पाना गेट ओवर कहलाता है, गेट ओवर समथिंग. तो यहाँ जाएगा गेट ओवर हर फेलियर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन. द बॉय वांटेड टू आस्क हिज फादर फॉर मनी बट वेटेड फॉर अ प्रोपिशियस ओकेजन. बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है, प्रोपिशियस मतलब होता है शुभ ओकेजन, मतलब मुहूर्त, शुभ मुहूर्त का, शुभ अवसर का इंतजार करता, प्रोपिशियस मोमेंट, याद रखना ये बिल्कुल सही है. ये हमारे सिनोनिम से पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम में भी आ सकता है. एज सून एज शी नोटिस द वर्कमैन शी आस्क देम व्हाट दे हैव बीन डूइंग.
अब देखो एज सुन एज शी आस्क्ड है, पास्ट की बात हो गई, तो हैव बीन डूइंग प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा, इसलिए हैड बीन डूइंग का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज अस्लिप बिफोर द मदर टक्ड हिम इन का इस्तेमाल करेंगे, वॉज अस्लिप बिफोर द मदर टक्ड हिम इन मतलब होता है कंबल को उठा के पूरे वहां पैर से लेके पांव तक फैला देना, टक इन एक फ्रेजल वर्ब है, तो टक्ड हिम इन का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वी सी ब्लैक स्मोक नियर द विंग ऑफ द प्लेन, व्हेन वी सी लिखा लिखा वी वर सर्टेन, जब ये पास्ट की बात होगी तो प्रेजेंट कैसे आएगा, द व्हेन वी सॉ आएगा, जब हमने देखा, क्योंकि ये जो पास्ट में लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक ये घटना पास्ट की होनी चाहिए, तो आ जाएगा व्हेन वी सॉ, जब हमने देखा। आई शैल स्टैंड नियर यू इन वील एंड वो, दुख एंड दर्द तकलीफ में हम तुम्हारे साथ होंगे, साथ खड़े होने के दुख तकलीफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंड बाई का, आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थीन, वैसे आएगा वील एंड वो। सॉक्रेट्स हैड मेनी डिसाइपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट, ग्रेट का डिग्री बन सकता है सी डी एस डी बन सकता है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम वॉज प्लेटो। द क्राउड्स वॉज एनोमेलस बट ऑर्डरली, नो यहाँ पे आएगा क्लैमरस, वो चिल्ला रहे थे लेकिन बट ऑर्डरली, अगर इनडिसिप्लिन हो तो ऑर्डरली कैसे होंगे, अनकंट्रोलेबल हो तो ऑर्डरली कैसे होंगे, इसलिए आएगा क्लैमरस, जो शोर सभा से भरे तो थे, क्लैमर कर रहे थे लेकिन ऑर्डर में थे, इसलिए ए फॉर अमेरिका। द वाइस प्रिंसिपल डिसाइडेड टू रिजाइन व्हेन ही पास्ड ओवर, जब कोई व्यक्ति जॉब इत्यादि वगैरह में इसको प्रमोशन मिलना चाहिए उसको न मिलके किसी जूनियर को मिल जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसको नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब हमारे पास है पास ओवर फॉर प्रमोशन टू प्रिंसिपल, ये है नो इम्प्रूवमेंट। 45, 46, आवर टीम हैज नॉट येट अराइव्ड, आई वंडर व्हेन इट विल अराइव, आई वंडर, जब सरप्राइजिंग मूड में आप कुछ सोचते हो ना तो वैसे केस में हम वंडर का इस्तेमाल करते हैं, और आई वंडर व्हेन इट विल अराइव, ये है नो मतलब आई थिंक ये कब आएगा, आई वंडर व्हेन इट विल अराइव। इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट योर अराइवल, अगर मुझे तुम्हारे अराइवल का पता होता, काश पता होता, तो आई वुड हैव कम, माइट हैव मतलब शायद मैं आ जाता, शायद, और यहाँ पे इफ ओनली काश, आप अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर को बताए, काश मुझे पता होता तो मैं आ गया होता। इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट योर अराइवल, आई वुड हैव कम टू द स्टेशन टू रिसीव यू, माइट हैव पॉसिबिलिटी, जैसे कि आया हुआ था हमारे एग्जाम में, इफ आई हैडंट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद मैं मारा गया होता, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे कि अगर काश मुझे पता होता तो मैं जरूर मिलने आया होता, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। इफ ही डज नॉट सक्सीड दिस ईयर ही वुड गिव, जब यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है तो वुड कैसे आ जाएगा, वुड नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा विल बी टेकिंग, इस साल नहीं तो अगले साल, वो दे रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा विल बी टेकिंग, दो तीनों में वुड है, वुड नहीं आएगा बल्कि आएगा विल बी टेकिंग, प्रेजेंट का कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए प्रेजेंट में विल का इस्तेमाल करेंगे, विल बी टेकिंग। वर द पॉलिटिशियंस टू एक्सेस देमसेल्फ assess themselves, sorry, were the politician to assess themselves, they would find that they have lost their credibility, they have lost या they had lost their credibility, वो अपना credibility खो चुके हैं, they would find that, उन्हें पता चलता कि वो, क्योंकि ये सब past की बात हो रही है, they would find, तो present तो आएगा नहीं इसलिए आ जाएगा they had lost their credibility। हमें हमेशा sequence of tense को ध्यान में रख के tense को decide करना है कि किस sequence में sentence में tense का इस्तेमाल किया गया है, अगर past की बात हो रही है past tense आया हुआ है, कोई और कोई नियम कानून उसमें नहीं involve हो रहा है, तो हम उसको past time के जरिए past time को समझते हुए past tense का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है past की तो have का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए आएगा had lost their credibility। The opposition is very weak to pose any serious challenge, अब यहाँ पे ये जो टू पोज है ना ये निगेटिव, बेसिकली आपने पहले में पढ़ा चुका हूँ आपको, जब ये टू प्लस वर्ग के फर्स्ट में निगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टू वीक, जैसे आई एम टू वीक टू वॉक, वेरी वीक टू वॉक नहीं करते, टू वीक टू वॉक का इस्तेमाल करते हैं। 51, द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है कि नो चॉइस बट टू डू समथिंग, नो चॉइस बट टू डू समथिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा No choice but to curtail. No choice but to curtail. There is no place in the bus.
पहले कई बार बता चुके हैं, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जब स्पेस का इस्तेमाल पार्टिकुलर पर्पज के लिए किया जाता है तो हम रूम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इज नो रूम इन द बस। विनोबा भावे वॉज वन ऑफ दोज गांधीयंस हु डिड व्हाट, ही नहीं आएगा क्योंकि गांधीयंस की बात हो रही है, प्लूरल प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे, डिड व्हाट दे बिलीव्ड। एडवर्टाइजेस ब्रिंग इन द बेस्ट एंड द वर्स्ट इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट, सुपरलेटिव के साथ द का इस्तेमाल करेंगे हम। हिज पॉलिसीज वर सीन बाई मच, मच नहीं आया, इंडिविजुअल की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए मच नहीं आएगा बल्कि मेनी का इस्तेमाल करेंगे। हिज पॉलिसीज वर सीन बाय मेनी एज क्रिम्पिंग इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम स्लंपिंग कॉपर प्राइसेस वर वेइंग ऑन द इकोनॉमी, इसका आंसर आ जाएगा वर सीन बाय मेनी एज। भोलू वॉज 55 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर फर्स्ट नॉवेल डिफिकल्ट डॉटर्स वॉज पब्लिश्ड। मैंने कहा ना, पास्ट में किसी एक पॉइंट पे अगर कोई घटना घटती है, वहां पे कोई पास्ट ऑफ द पास्ट का केस नहीं है, हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वॉज पब्लिश्ड बाई हार्पर कॉलिंस, आंसर आ जाएगा ए फॉर अमेरिका। इट ऑब्वियसली डिडंट हैपन बिकॉज ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर प्लेसिंग अ लिमिट ऑन नॉइज लेवल, प्लेसिंग अ लिमिट कोर्ट्स ऑर्डर टू प्लेस आएगा, क्योंकि यहां पे पर्पस की बात हो रही है, इसलिए आएगा ऑर्डर टू प्लेस अ लिमिट एट ऑन नॉइज लेवल, सी फॉर कैट, टू प्लेस अ लिमिट ऑन नॉइज लेवल का इस्तेमाल करेंगे, प्लेसिंग नहीं आएगा यहां पे, नहीं पर्पस के लिए हमेशा हम जैसे डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला, इसी प्रकार ऑर्डर टू प्लेस अ लिमिट ऑन नॉइज लेवल, पर्पज के लिए इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। द पेशेंट हैज बीन एडवाइज्ड रेस्ट बाय द डॉक्टर्स अटेंडिंग फॉर हिम अटेंडिंग टू, जो उसका देखभाल कर रहा होता है, ये भी फ्रेज वर्ब है, देखभाल करने के लिए अटेंडिंग अटेंड टू का इस्तेमाल करते हैं। नीदर आई नॉर माई वाइफ इज रेडी टू एक्सेप्ट हु द कल्प्रिट इज, आई रेडी टू एक्सेप्ट हु द कल्प्रिट, सब्जेक्ट आ गया, इज वर्ब आ गया, ये है नो इम्प्रूवमेंट, डी फॉर देवसेना, आंसर बिल्कुल सही लगाया इन्होंने। इन द प्रेजेंट सिनेरियो द रिच एंड द पुअर ऑफ इंडिया, द रिच एंड द पुअर, क्योंकि द रिच लगाएंगे द पुअर लगाएंगे तभी अमीर और गरीब लोगों की बात होगी अलग अलग, तो द रिच एंड द पुअर ऑफ इंडिया हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस फियास्को, ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम एक्टिव में लिखना बेहतर मानते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है ये लेकिन इम्प्रूवमेंट है, इसलिए हमेशा जब भी आ जाए ना ब्लेम के कंडीशन में तो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस फियास्को, तो आ जाएगा बी फॉर बाहुबली। द पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंज नेम्स एंड स्माइल्स टू ब्रेक साइलेंस, नहीं होता है ब्रेक दाइस, एक ईडियम है, मैंने कहा ईडियम से बहुत देर बनते हैं हमारे एग्जाम में, ब्रेक दाइस मतलब चुप्पी तोड़ना, तो आंसर आ जाएगा सी आई विश आई वॉज, नहीं आई वर, आई विश आई वर अ डॉक्टर, तो आई विश आई वर अ मिलेनियर। द प्रिंसिपल हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द आइडिया, आइडिया को हम ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं करते बल्कि पुट फॉरवर्ड, उसने पेश किया, द प्रिंसिपल हैज पुट फॉरवर्ड द आइडिया, द होल आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड डेकोरेटिंग, या तो ऑफ लगा हुआ था यही आएगा, ऑफ डेकोरेटिंग द पूजा पंडाल पंडाल्स इज, क्योंकि आइडिया के मुताबिक इज आ गया यहाँ पे, इसलिए इज आएगा, आपको सब्जेक्ट अग्रीमेंट प्रेपोजिशन आर्टिकल टेंस सब कुछ देखते हुए आपको ढूंढना है, आंसर आ जाएगा इसका ए। आई जस्ट कांट कोप अप विद, कोप अप विद नहीं होता बल्कि कोप विद होता है, इसका आंसर आएगा सी फॉर कैट। द इंटायर ब्लेम फॉर क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स ऑफ, ये भी एक idiom है, और idiom क्या है, कैन नॉट बी लेड एट द डोर ऑफ द स्टेट, डोर्स नहीं होता बल्कि डोर होगा, किसी को बदनाम करना, किसी के ऊपर किसी काम का ब्लेम लगा देना, वो कहलाता है कि द इंटायर ब्लेम फॉर क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर ऑफ द स्टेट। I cannot go out in the rain as I am not having an umbrella. Have a steady verb. Steady verb के साथ continuous tense का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? I don't have an umbrella.
आई डोंट, द का कोई केस नहीं है इसलिए द नहीं आएगा, कोई पार्टिकुलराइज की बात नहीं हो रही है, मेरे पास छाता नहीं था, आई छाता नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ मार्कर, आई एम अ टीचर, आई एम द टीचर, आई एम अ टीचर, द टीचर भी होता है, द टीचर यू आर टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे और नहीं आएगा क्योंकि पार्टिकुलराइज केस है, तो जब तक जनरल केस है ए एन का इस्तेमाल करेंगे, पार्टिकुलराइज केस आएगा द आ जाएगा, इसे आ जाएगा बी, यूजुअली वी नेवर गो टू, यूजुअली आए इसके साथ नेवर का कोई मीनिंग नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे, यूजुअली फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, प्राय मैं कभी नहीं जाता, यूजुअली वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, साधारणतः संडे को नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, ये लॉजिकल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मीनिंग को ध्यान में रखते हुए यूजुअली के साथ हम नेवर नहीं डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई हैड मेनी प्लान्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री बट माय फादर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन, ये ईडियम है, आपको पढ़ाया होगा मैंने, ये शुरुआती आठवीं नौवीं दसवीं क्लास में भी बताया जाता है आपको कि थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब होता है किसी को डिस्करेज कर देना कोई काम करने से, तो ये है नो इम्प्रूवमेंट, इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर ही हैज इवन लॉस्ट व्हाट ही हैड, मतलब अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के बजाय उसने वो भी खो दिया जो उसके पास था, तो ही लॉस्ट इवन व्हाट ही हैड, ही लॉस्ट इवन व्हाट ही हैड, जो कुछ भी था उसको भी उसने खो दिया, पास्ट आएगा ना कि प्रेजेंट आएगा। द सी रफ, आपने एक सेंटेंस देखा होगा चूंकि ब्रीफली हमें चीजों को बताना है, तो जैसे बीइंग अ रेनी डे कहते हैं बीइंग अ रेनी डे, Being a rainy, being a rainy day. ऐसे कंडीशन में I could not go out. Being a rainy day, I could not go out. तो ये बेसिकली ये मिसरिलेटेड पार्टिसिपल का केस हो जाता है, हम नहीं सही मानते, क्यों नहीं, क्योंकि ये आई का संबंध बीइंग से जुड़ जाता है, मतलब जो रेनी डे है वो आई हो जाता है, इस चीज से बचने के लिए डे के मुताबिक हम इट का इस्तेमाल करते हैं, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, कई बार आपने पढ़ा होगा चूंकि अब तो 2005 में एग्जाम ही है तो आपने पढ़ा होगा इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, उसी प्रकार यहाँ पे अगर लिखते हैं द सरफ द सी रफ गलत है, ये से गलत हो जाएगा यहाँ पे अ रेनी डे, इट अ रेनी डे गलत हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, जो सब्जेक्ट है तो वर्ब तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे द सी है, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा द सी बीइंग रफ, द सी बीइंग रफ, जैसे इट बीइंग अ रेनी डे आई कुडंट गो आउट, उसी प्रकार द सी बीइंग रफ दे अबैंडन्ड द स्विम, इसको एलैबोरेट करके मैं बताऊं तो ऐसे बन जाएगा एज एज द सी वॉज रफ, एज द सी वॉज रफ, बहुत मतलब उसमें आंधी तूफान की संभावना थी, आंधी तूफान आ रहा था, दे अबैंडन्ड द स्विम, और इसी बात को दो संडेस को कंबाइन करने के लिए हम पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल करते हैं, और वैसे लिखा जाएगा द सी बीइंग रफ दे अबैंडन्ड द स्विम, द फार्मर्स आर वर्किंग, अभी अभी मैंने सिक्स वीट वाले बैच में कल ही आपको बताया मैंने ये चीज, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो ये काफी आसानी से समझ गए होंगे आप, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट, हैव बीन वर्किंग, टाइम दिया हुआ, ड्यूरेशन दिया हुआ है, फ्रॉम सनराइज टू सनराइज अंटिल सनसेट, तो इसलिए यहां पे हम हैव बीन वर्किंग का इस्तेमाल करेंगे, हैप्पी इज द मैन हु अक्वायर्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग वेन ही इज यंग, एक फैक्ट की बात हो रही है, एक किसी का कोटेशन भी है, तो इसलिए हम इसको पास्ट में नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे, हैप्पी इज द मैन हु अक्वायर्स, हु आ गया अक्वायर आ जाएगा, मैन के मुताबिक हैप्पी इज द मैन हु अक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग वेन ही इज यंग, एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है, ही मे हैव एज्ड वेन आई लास्ट सॉ हिम, याद होगा सिंस और एवर सिंस बताया जब से, सिंस और एवर सिंस का मतलब जब से हो जाता है ना, तो उसके बाद सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, तो ही मे हैव एज्ड सिंस आई लास्ट सॉ हिम, यहां पे आएगा सिंस आई लास्ट सॉ हिम, सिंस और एवर सिंस, सिंस और एवर सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके पहले जो आता है उसको हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो ही मे हैव एज्ड
when I last saw him. ये present perfect ही है, may के जरिए हम possibility की बात कर रहे हैं, है तो ये present perfect है. इसलिए अगर since आ जाएगा यहाँ पे, since I last saw him. She narrated the proceedings of court significantly. यहाँ पे narration के लिए significantly शब्द appropriate नहीं है, महत्वपूर्ण तरीके से नहीं, बल्कि precisely. He narrated the proceedings precisely. इसलिए आ जाएगा यहाँ पे A for America. लगता है आज हम इसे खत्म कर लेंगे, पूरे 500 पूरे हो जाएंगे. He must navigate once pay hike. कितना पैसा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सैलरी क्या देंगे नहीं देंगे, इसको नेगोशिएट किया जाता है. हम नेगोशिएट करते हैं. बहुत जगह आप एड में देखेंगे सैलरी इज नेगोशिएबल, हम बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं, इसलिए अप्रोप्रिएट वर्ड है नेगोशिएट करना. आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार. सो फार लेटली रिसेंटली टिल अप टिल नाउ टिल टुडे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आई हैव अडॉप्टेड सो फार. ऑफ लेट आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट, येट आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट, अप टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट. अगर जस्ट का मतलब होना चाहिए अ मोमेंट अगो. ब्लड इज थिकर ऑफ वाटर, गलत. ब्लड इज थिकर देन वाटर. ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे, जब ईच आ गया तो यहाँ पे हिज आएगा, न कि देयर का इस्तेमाल करेंगे. स्टूडेंट पे हिज, ईच मतलब हो गया एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो इसे सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, इसलिए यहाँ पे पेज आएगा. स्टूडेंट्स पेज हिज, वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर. We were all happy at Mr. Sen being awarded the Nobel Prize. Mr. Sen, यहाँ पे apostrophe अगर लगाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि passive में जब हम इस प्रकार का construction इस्तेमाल करते हैं, sorry, तो हम possessive case का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे कि I don't like Ram's going, ये active sentence है, सही है, लेकिन जब पैसिव में बनाया जाएगा ना तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल सही. वी वर ऑल हैप्पी एट मिस्टर सेन बीइंग अवार्डेड द नोबेल प्राइज. आई एम होपिंग, होप एक स्टडी वर्ब इसलिए आएगा. आई होप शी क्लियर्स हर एंट्रेंस टेस्ट. ये होपफुल भी सही हो सकता था, लेकिन होपफुल के साथ डैट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे डैट नहीं होने की वजह से ऑप्शन गलत है, आ जाएगा. आई होप शी क्लियर्स हर एंट्रेंस टेस्ट. आई सॉट अ हियरिंग, शॉर्ट मतलब हो गया सिक, सिक का ये सेकंड फॉर्म है, और सिक एन ऑडियंस का मतलब होता है अपॉइंटमेंट लेना किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए. सिक एन ऑडियंस, सिक एन ऑडियंस आगे idiom है. ए फॉर अमेरिका आएगा इसका आंसर. इफ आई वर वॉज अ बर्ड, ए वर अ बर्ड, वर अ बर्ड वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये. पीपल मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स, यहाँ रूल्स को फॉलो करने की बात हो रही है, इसलिए कन्फर्म और टू आता है कन्फर्म के साथ. कन्फर्म टू, कंप्लाई विद, अबाइड बाई, एडहियर टू, चारों का मतलब एक ही होता है. आंसर आ जाएगा सी, द हस्बैंड ऑफ द डिसीज्ड, डिजीज्ड नहीं आएगा, मरे हुए व्यक्ति के लिए हम डिसीज्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आएगा सी फॉर कैट. स्पेलिंग देख लीजिएगा, वो डिजीज्ड है, ये डिसीज्ड है. सीज मतलब रुक जाना, डिसीज्ड. लाइक इंस्टेंस नहीं होता है, फॉर इंस्टेंस होता है, ये फॉल्टी एक्सप्रेशन है. फॉर इंस्टेंस Not like instance. For example होता है, for an example भी नहीं होता है. इस सब हम जो मैं बोलता हूँ वो एग्जाम में आया हुआ है, तो सोचता हूँ जो आया हुआ है अगर दिमाग में है तो बोल दूँ, हो ना हो हमारे एग्जाम में आ जाए वो. The High Court granted the applicant anticipatory bail. Bail के लिए जो word होता है वो anticipating नहीं होता, आपने कई बार आपने मूवी में देखा होगा anticipatory bail. Bail के लिए जो collocation है वो anticipatory का, इसलिए आएगा डी फॉर देव सेना. एंड 489, द रेवेन्यू ऑफिसर वॉज एस्क्ड टू टेल हिज सुपीरियर अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द मैटर. अब प्राइज के साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ है नहीं, इसलिए बिल्कुल टू टेल बिल्कुल सही, एजुकेट की कोई आवश्यकता नहीं, इन्फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं है, तो आएगा बताने के अर्थ में टू टेल बिल्कुल ही सही. अब प्राइज भी सही होता अगर उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल किया गया होता. We had attended a refresher course होता है, अपने स्किल को इनहेंस करने के लिए जो कोर्स दिया जाता है उसे refresher course कहते हैं, न कि refreshment course. He objected to the plan. Object के साथ fixed preposition है to, और to के बाद अगर verb आया तो ing form में आएगा, ध्यान रखना.
he objected to my going there. इसलिए यहाँ पे he objected to the plan, ये होना चाहिए no improvement. बिल्कुल सही जवाब, no improvement है ये. Once a new book is received at a library, it has to be itemized. हम किसी को item by बनाते हैं, यहाँ पे itemized करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब कोई लिस्ट में कोई बुक शामिल होता है ना तो कैटलॉग हो जाता है, उसके लिए कैटलॉग का इस्तेमाल करते हैं कि ये लिस्ट है और लिस्ट में नई किताब को शामिल कर दिया गया, itemized नहीं हुआ बल्कि वो हम उसको कैटलॉग कर देते हैं. बिफोर बाहुबली द कोर्ट कैरीड आउट ज्यूडिशियस एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस. ज्यूडिशियस मतलब होता है स्विंग ग्रेट जजमेंट, जो कि यहाँ कोर्ट के द्वारा वो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो जजमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, इसीलिए गुड जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रकार जजमेंट में दिक्कत ना हो, ज्यूडिशियस और इसी शब्द से जजमेंट बना है, जज बना है. ज्यूडिशियस एग्जामिनेशन नो इम्प्रूवमेंट. इन ऑर्डर टू लर्न टू स्पीक प्रॉपरली इट इज नेसेसरी टू टेक इलोक्यूशन लेसन्स. कैसे बोला जाए, कितना तेजी से बोला जाए, रुक कर बोला जाए, हमारे बोलने में रफ्तार कितनी होनी चाहिए, ये सब एलोक्यूशन क्लास लेसन्स में ही सिखाया जाता है, इसलिए यह नो इम्प्रूवमेंट. Despite the assurance of good faith, people couldn't read between the lines. एक idiom है, read between the lines, जो मतलब शब्दों से बढ़ के किसी बात को समझ लेना, उसे हम कहते read between the lines. The two trade unions knew that they would overcome the opposition if they intermixed their policies. Policies को हम consolidate करते हैं, combine करते हैं, intermix नहीं करते हैं, इसलिए इसका प्रोपियर आएगा कंसोलिडेटेड. द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैड हैड इट एम्पिटेटेड. नहीं बल्कि उसे करवाना पड़ा, तो ही हैड टू हैव इट. आप जानते होंगे कि हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हम जब कोई काम करते हैं तो नहीं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो कोई काम करवाया जाता है ना तब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, have plus noun pronoun plus verb की थर्ड फॉर्म, have plus noun pronoun plus verb की थर्ड फॉर्म. तो वैसे केस में यहाँ पे चूंकि हमें the arm so bad past की बात हो रही है, तो हमें लिखना पड़ेगा he had to, अब had to plus verb की फर्स्ट फॉर्म होता है, से करवाना पड़ा, उसका हाथ उसका आर्म इतना बैडली इंजर्ड हो गया था कि उसे एम्पिटेट करवाना पड़ा, जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो और मुझे बाल कटवाना पड़ा, तो मैं ऐसे कहूंगा I had to have my hair cut. तो इसी प्रकार यहाँ पे उसे हाथ कटवाना पड़ा, तो had to have it amputated आ जाएगा. तो कोई काम को जब हम करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आता है, जब काम करवाते हैं तो वैसे केस में हम कहेंगे have to have plus noun pronoun plus verb की थर्ड फॉर्म. स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, had to आ जाएगा, और पास्ट की बात करेंगे फिर have आ जाएगा, फिर noun pronoun आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. जैसे मुझे अपना बाल कटवाना पड़ा, I had to have my hair cut. फिर से रिपीट करता हूँ, I had to have my hair cut. उसी प्रकार उसका आर्म इतना बैडली इंजर्ड हो गया था कि उसे अपना आर्म को कटवाना पड़ा, तो he had to have it amputated. Answer C for cat. जैसे कहा था ना अभी लेटली शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, जब लेटली शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम, लेटली आ जाए, सो फार आ जाए, येट आ जाए, ऑफ लेट आ जाए, वैसे कि इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो विल बी के जगह आ जाएगा, आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली. अ डॉक्टर अपॉइंटेड एज एन इंजीनियर वुड प्रूव अ स्क्वायर पिग. ये भी idiom है, कई idiom पूछे गया हमारी एग्जाम में, देखिए स्क्वायर पिग इन
राउंड होल, होल नहीं राउंड होल होना चाहिए, गलत लिख दिया, होल राउंड होल आना चाहिए उधर, तो यहाँ पे आ जाएगा इन आ जाएगा, ये भी फ्रेजल वर्ब है। एंड द लास्ट वन फाइनली, आज हमने 500 क्रॉस 500 पूरा कर लिया। यू नीड नॉट बी लाइंग व्हेन द जज आस्क्ड यू, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज ने तुमसे पूछा, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। जब आपको ऐसा कहना हो कि कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, तो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नीड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव स्पोकन लाइक दैट, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव ईटन, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव रेड इट, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव स्लेप्ट, इसी प्रकार तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज पूछा। देखिए बहुत जल्द जो हमारा जो फिलर से मुझे फिलर लगता है कि 3 घंटे में मैं थोड़ा सा रफ्तार के साथ, चूँकि 101 घंटे में होता है तो 5 घंटे समय निकालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं चाहूँगा कि जैसे आज मैंने तेज़ी से चीज़ों को खींचने का प्रयास किया कि कम से कम सुनेंगे आप तो दिमाग में बैठ जाएगा, समझने का जब दौर आएगा तो समझ भी लेंगे कैसे क्या हो रहा है। नहीं ब्रीफली मैंने जहाँ भी हो सका थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास किया, क्योंकि अभी समझने समझाने का दौर नहीं है, समय नहीं है, एग्ज़ाम सर पे आया हुआ है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं चाहता हूँ अपनी आवाज़ के जरिए आप मुझे अगर 1 घंटा सुन लेते हैं इसको तो शायद वो पढ़ने से अच्छा है, कि क्योंकि लर्नर कई प्रकार के होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं और कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। जो ऑडिटरी होंगे वो सुनकर बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, उन्हें सुनकर समझ में आ जाता है, तो शायद मेरी आवाज़ से कुछ समझ में आए आपको, बाकी समझाने का प्रयास समझाने का स्कोप तो काफ़ी था लेकिन क्या है कि समय के अभाव में मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जहाँ तक हो सकता है आपको ब्रीफली समझाने का प्रयास किया। एटलीस्ट कम से कम आप आंसर ध्यान में रखिएगा, एज इट इज अगर क्वेश्चन आ जाए, इसी प्रकार मिलता जुलता आ जाए, आंसर बिल्कुल यही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 1500 जो होगा, हम जो करेंगे 1000 कर चुके हैं, 500 और करेंगे, और भी जो ऐप में मैं जो डालते जा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, चैप्टर वाइज बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको और ऐप में, और जल्दी में मुझे लगता है होली आएगी जब छुट्टी होगा तो उसमें बेशुमार कंटेंट्स मैं डाल दूंगा, क्योंकि छुट्टी होगा समय भी हमारे पास होगा, 1 सप्ताह का छुट्टी होने जा रहा है तो समय, वीडियो भी काफ़ी हमने डालने हैं अपने ऐप पर अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग, और YouTube पे भी जो डालना है, स्पोकन इंग्लिश की जो मैंने बातें की थी सर के साथ मिलकर, वो भी बहुत जल्द आप तक पहुँचने वाला है। तो फिलहाल मैं ये 500 पूरा हो चुका है और 1-2 दिनों में मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, क्योंकि जब जब वादा करता हूँ निभा नहीं पाता हूँ, टूट जाता है, तो कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द 500 भी मैं अब ब्रीफली मैं आपको समझाते हुए ख़त्म कर दूँ, 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर दें। बाकी आपको पैसेज कैसे बनाया जाए, पैसेज का मैंने सब डलवा दिया है, पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब स्पेलिंग वगैरह सब कुछ डल चुका है वहाँ पर, तो आप उससे ज़रूर कम से कम, जब तो मैं बताता नहीं हूँ, आप अपने लेवल पे कम से कम आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, मुझे विश्वास है कि जरूर ये फायदा होगा। और बाकी समय निकाल निकाल के मैं पूरा नहीं तो सा थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको एग्जाम के पहले तक बहुत बहुत कुछ यह पूरा खत्म करवा दूंगा, जितना रिविजन की हमने बात की थी। आज की बात यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रात के 1 बज चुका है और कल ये सुबह में 11-12 बजे तक लाइव हो जाएगा, आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। और बहुत सारे बच्चे आते हैं और कमेंट करते हैं, मैंने 2-3 टेलीकॉलर को अपने पास ऑफिस में रख रखा है ताकि आपको कॉल करके आपसे पूछते रहें, बात करते रहें कि कैसा आपका अनुभव है हमारे ऐप के साथ, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं दिक्कत आ रही है। मैंने आज उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि सर ये वीडियो के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि कब आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का और फिलर का, बाकी वॉइस है नरेशन है सब आ जाएगा, समय के अभाव में चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हो जैसे भी हो जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। एग्जाम के पहले पहले दिन तक मैं कोशिश करूँगा कि पूरा हो जाए, और आपका सपोर्ट रहा, आपकी दुआएं रही तो शायद बहुत जल्द ये सारी चीज़ें पूरा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर तैयारी कीजिए। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, हम बहुत सारी चीज़ें प्रपोज करते हैं, मैंने 2 फरवरी कहा था कि बहुत कुछ हम डेली कर लेंगे, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल प्योर है कुछ करने के लिए कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन 10-12 घंटा क्लास करने के बाद फिर घर में आना, फिर चीज़ों को मैनेज करना, देखना कैसे कैसे करना है, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कभी कभी आता हूँ तो कभी कभी टेक्निकली कुछ समस्या आ जाती है, फिर पूरा समय बर्बाद होता है, फ्रस्ट्रेट होकर फिर लौट जाता हूँ।
अब लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, कल भी आया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, कल कोई और आ गया, कल कोई समस्या आ गई, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो सकता है बेहतर आपके साथ मैं मिलकर मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर सेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं, मनुष्य सब हंस रहा है, सब मुस्कुरा रहा है, अपने चारों तरफ देखो, फूल फल वृक्ष सब मुस्कुरा रहे हैं, फिर आप तो मनुष्य ही हो, आपका स्वभाव ही है मुस्कुराना, मनुष्य का सबसे बड़ा पहचान है उसकी मुस्कुराहट, तो आप मुस्कुराते रहो तभी आप मनुष्यता को जी पाओगे, मनुष्यता का सबसे बड़ा रस उसकी मुस्कुराहट में, प्लीज मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।